नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री एकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्री पार्ट 25, और इस वीडियो में भी हम त्रिभुज के इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो ट्रायंगल पर बना दिए हैं, आप उसे ज़रूर देख लें, और उसके बाद आप एक एक करके आगे बढ़ें। आपको हर चीज़ बहुत बेसिक तौर पर बताया गया है, हर बात आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष पर तथा परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण वाले त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष पर, तो देखिए यह आपका एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण का जो लंब होता है वह आधार पर यहाँ दिया हुआ है। देखिए यह आधार है और इस पर एक लंब दिया हुआ है जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यह 90 डिग्री का कोण जो है वह इस समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। यह 90 डिग्री का कोण जहाँ भी बना रहा है, यह इस समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो यह जो लंब यहाँ पे हमने डाला आधार के साथ जिस बिंदु पर मिल रहा है, यह इसका लंब केंद्र हो जाएगा। यानी जो भी हम यहाँ पे लंब डाल रहे हैं आधार पे, आधार के साथ जिस बिंदु पे मिलता है उसे हम लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, परिकेंद्र, परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो यह समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया, इसका मध्य बिंदु जो होगा वह परिकेंद्र होगा। यानी कि कर्ण यदि 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर जो है मध्य बिंदु हुआ, और यही इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र हो गया। बात समझ गए? तो इस तरह से आपका परिकेंद्र और लंब केंद्र डिनोट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कर्ण के आधे के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कर्ण के आधे के बराबर होता है। ये आपका देखिए समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी वह कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और इस पे शीर्ष B से एक माध्यिका हम डालते हैं। तो माध्यिका का काम क्या है? किसी भी भुजा पर जिस पर माध्यिका डाली जाती है वह उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। माध्यिका का काम होता है जिस भुजा पर वह डाली जाती है उसको वह 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यह जरूरी नहीं है कि वह 90 डिग्री का कोण बनाए वहाँ। और लंब केंद्र का क्या काम है? लंब केंद्र जिस भी भुजा पर डाला जाता है या लंब जिस भुजा पर डाला जाता है उस पर वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। यह जरूरी नहीं है कि वह उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। तो यहाँ पे माध्यिका की बात हो रही है, इसलिए यह सबसे बड़ी भुजा पर अगर डाली गई है तो वह उसे 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ देखिए यह 2 बराबर भागों में इसको बांट रहा है, यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है तो 5 सेंटीमीटर पर माध्यिका डाली गई है। अब यह जो माध्यिका की लंबाई होगी, यह जो माध्यिका की लंबाई होगी जो शीर्ष B से D बिंदु पर डाली गई है, यह लंबाई सबसे बड़ी भुजा के आधे के बराबर होगी। यानी कि BD बराबर AC/2, यानी यह आपका BD हो गया, जो यह टोटल AC का 1/2 होगा। बात समझ गए? यानी यह x है तो इधर का x होगा, इधर का x के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज ABC में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, AB+BC से AC बड़ा है, AB बड़ा है AC से, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है, AB+BC = AC, और ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं। कह रहा है कि AB+BC, AB और BC भुजा है, जैसे यह AB हो गया और BC हो गया, सॉरी AB हो गया और BC हो गया। तो ये AB और BC का जो योग होगा क्या उससे AC बड़ा होगा? जी नहीं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग जो होता है वह तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी इन 2 भुजाओं का योग जो होगा वह AC से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसीलिए यह ऑप्शन आपका गलत है। AB AC से बड़ा होगा। क्या ऐसा हो सकता है? जरूरी थोड़ी है कि AB जो होगा वह AC से बड़ा होगा, जरूरी नहीं है। इसी तरह से AB+BC, यह AB और BC का जो योग होगा AC के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। नन ऑफ दिस,
इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा नन ऑफ दिस। याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज में दो भुजा का जो योग होगा वह तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वह तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी इन दो भुजाओं का जो योग होगा वह हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। मैंने बेसिक क्लास में बता रखा है, आप देख लीजिएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा हमेशा ए सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बड़ा है 90 डिग्री से, तो कोण बी तथा कोण सी होंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बड़ा है 90 डिग्री से, तो कोण बी तथा कोण सी होंगे। यानी कि प्रश्न यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें पहले से ही दिया हुआ है कि कोण ए 110 डिग्री है, कोण सी आपका 25 डिग्री है और कोण बी 45 डिग्री है। यानी कि पहले से आपको दिया हुआ है, ये हमने बनाया नहीं है, पहले से प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री से बड़ा है। तो देखिए यहाँ कोण डी ए जो है वह 90 डिग्री से बड़ा है, यानी 110 डिग्री है। तो 90 डिग्री से बड़ा यदि कोई कोण रहता है तो उसको हम अधिकोण बोलते हैं। तो अगर कोण ए अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो यह एकदम निश्चित है कि जो बाकी के दो कोण होंगे वो 90 डिग्री से छोटा होंगे, क्योंकि यह प्रश्न में पहले से दिया हुआ है, यानी फिगर पहले से आपका दिया हुआ है, एगो 45 डिग्री है और एगो 25 डिग्री है। तो यही तो पूछ रहा है कि कोण बी और कोण सी को हम क्या कहेंगे, तो कोण बी और कोण सी को हम न्यून कोण कहेंगे। कोण बी और कोण सी को हम न्यून कोण कहेंगे क्योंकि 90 डिग्री से कम है इसका मान। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो बाकी का दो कोण न्यून कोण होगा, ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। इसीलिए त्रिभुज बी सॉरी कोण बी तथा कोण सी न्यून कोण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है। यदि ए डी बी सी पर लंब हो तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है तथा ए डी बी सी पर लंब हो तो। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि ये आपका देखिए, ये ए बी सी जो है यह आपका एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ कोण ए 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, यहाँ से हमने सबसे बड़ी भुजा पर यानी कर्ण पर एक लंब डाला, तो कर्ण पे लंब हमने डाला तो यह कर्ण पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाएगा। पिछले वाले मैंने वीडियो में प्रश्न में यह चीज़ बताया हुआ है कि जब समकोण त्रिभुज होता है उसके शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर कोई माध्यिका हम डालते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम माध्यिका डालते हैं तो माध्यिका किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। माध्यिका और लंब में फर्क है कि माध्यिका जिस भुजा पर पड़ता है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यह जरूरी नहीं है कि वह उस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, लेकिन लंब क्या करता है, जिस भुजा पर भी जाएगा वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यह जरूरी नहीं है कि लंब जो है वह वहाँ कोण तो बनाएगा लेकिन उसको दो बराबर भागों में बांटेगा नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उसको बांट ही देगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है कि माध्यिका और लंब दोनों जो होते हैं 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और दो बराबर भागों में भुजाओं को विभाजित भी करते हैं, लेकिन बाकी कहीं नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको यही बताया था कि जब हम यहाँ से कोई माध्यिका खींचेंगे और इस कर्ण को दो बराबर भागों में अगर बांटेगा तो इस माध्यिका की लंबाई जो होगी वह इस कर्ण के आधे के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको यह लंब है तो यह लंब हमने डाला है, तो यह लंब हमने जब डाला कर्ण पर तो यह हो गया आपका ए डी स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग यानी लंब का वर्ग बराबर बी डी गुने डी सी, यानी कि इस कर्ण का आधा का गुना और आधा का गुना, यानी कि बी डी गुने सी डी। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट बी डी गुने सी डी हो जाएगा, यानी कि जो ए डी लंब की लंबाई होगी वह आपको अंडर रूट बी डी गुने सी डी के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब लंब हम डालते हैं तब क्या होता है और जब माध्यिका हम डालते हैं तब क्या होता है।
तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज में। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।